पूछे तो मैं अपने नजरिए से ये समझा है और जाना है, ये सिवाय नुकसान के अलावा फायदा कहीं से भी नहीं है, फायदा सरकार को हुआ है। और इस देश में जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले बैठे हैं, जैसे कि विजय मुकेश अंबानी है, विजय माल्या है, नरेंद्र मोदी है, इस सब साजिश के तहत ये सारे काम हुई है। और इस देश का सारी दौलत यहाँ से ले गई, पहले से दौलत काला धन लाने के बजाय, और यहाँ से धन यहाँ से और चली गई, और इस देश को सिवाय नुकसान और बेरोजगारी पहले से ज्यादा थी, और बेरोजगारी और बढ़ा दिया सरकार ने, इसकी जिसका जिसको हम सब लोग जानते भी हैं और देख भी रहे। करप्शन को उन्होंने बढ़ा दिया है, करप्शन को खत्म नहीं किया, करप्शन को बढ़ा दिया है, ऐसा भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका अंदाजा वो लगा सकता है जो पब्लिक के बीच में रहता है, जो जगह बस स्टॉप पे मार्केट में रहता है, जो गद्दी पे बैठे हुए, जो पब्लिक के बीच में नहीं रहता, वो क्या इस बात को समझेंगे। तकलीफ को जानना है तो जो तकलीफ जिन पर गुजर रहा है उनसे पूछिए कि क्या हालत बनी हुई है। नरेंद्र मोदी जिन्होंने कानून को बनाया है, जिन्होंने इस बात को बोला, वो खुद भी इस बात को जानते हैं कि देश अभी किस स्थिति से गुजर रहा है इस सारे चार साल के अंदर। और छह महीने जो रह गए हैं, जो बचा कुछ है देश में है ना, वो भी छह महीने के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा। देश को खोखला करके, देश को बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में धर्म को ला करके लड़वा रहे हैं, अपने राज कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर दिया। और मैं भारत कौशिक नाम है मेरा जी, और फिलहाल मैं अग्रवाल स्वीट चला रहा हूँ। और नोटबंदी के बाद जो रवैया या लोगों का रुझान या परेशानियां जो सामने आई हैं, उनमें सबसे सब कुछ तो लोगों ने झेल लिया है, हमने भी झेल लिया है, लेकिन 2000 का जो नोट निकला है नोटबंदी के बाद, ये 2000 का नोट एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। मार्केट में कहीं भी, इवन भले बड़ी दुकान में चला जाए आदमी, 100 रुपये की शॉपिंग करता है, उसके पीछे 2000 का नोट देता है, तो 2000 के नोट के खुले मिल पाना लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। सो लोगों ने नोटबंदी की लंबी लंबी लाइनों में लग के नोटबंदी को स्वीकार कर लिया। मोदी जी को किसी प्रकार से गाली नहीं दी गई नोटबंदी के लिए, लेकिन 2000 के नोट के लिए मोदी जी को हर आदमी, हर एक आम आदमी, छोटा बड़ा हर कोई कोसता है इस बात के लिए कि 2000 का नोट जो निकाला गया है बिल्कुल गलत डिसीजन। अच्छा, अगर 2000 का नोट निकाला है तो इसके साथ इन्हें बीच में 1000 का नोट भी देना चाहिए था, ताकि छुट्टे की टेंशन ना हो। अच्छा, मेरा मानना यह है कि मोदी जी ने जो 2000 का नोट निकाला या 500 के नोट की साइज छोटी करी, इसके पीछे सारी जनता जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को कि ATM मशीनों को चेंज किया गया, इसके अंदर जो पैसे रखने का जो बॉक्स है, जो भी है इनका सिस्टम, उसको चेंज किया गया। भले करेंसी नोटबंदी करके नई करेंसी लाई गई, नोट का नया रूप लाया गया, लेकिन इसकी साइज चेंज नहीं करनी चाहिए थी। साइज चेंज करने के बाद जो ATMs बदलने का बैंकों पर या सरकार पर जो खर्चा पड़ा है वो बेकार है। 6 महीने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, बहुत ही ज्यादा, ताकि उसके बाद रूटीन में आ गया, लेकिन 2000 का नोट अभी भी लोगों को हजम नहीं, छोटा बड़ा हर आदमी परेशान है। अगर मोदी जी कहें कि ब्लैक मनी रोकने के लिए कदम बढ़ाया गया, तो मेन चीज ये है, पहले आदमी लाख रुपए जेब में ले जाने के लिए सोचता था कि जेब फूली हुई दिखेगी, कोई भी हाथ मार सकता, आज 10 लाख रुपए 2000 के नोट के रखे ले जाए किसी को पता ही नहीं लगता। तो ये ब्लैक मनी तो पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, ये कभी नहीं रुक सकती। जिसके पास पैसा है वो जमा करता ही रहेगा, ब्लैक मनी का तो कोई ऐसा हल ही नहीं है। क्योंकि आप ब्लैक मनी की बात करोगे, जो इन्होंने नोटबंदी करी, नोटबंदी में पैसा बदलना, हमने तो बैंकों को भी ऐसे देखा है, पुराने नोटों के बदले कमीशन पर नया पैसा दिया गया, हमने खुद देखा इस चीज़ को। नोटबंदी करी थी, उसमें उन्होंने 3 वादे किए थे। एक तो वादा किया था कि करप्शन खत्म हो जाएगा, फिर ब्लैक मनी आ जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा उससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, उनमें से कुछ तो हासिल हुआ नहीं। फिर उसके बाद नया नरेशन आने लगा गवर्नमेंट का कि डिजिटल इंडिया हम कराना चाहते हैं, कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और ये एक नई दलील आई। तो जो फायदे उन्होंने गिराए थे सिटीजन्स की तरफ से, तो हमको तो कोई ना नज़र आते हैं, ना जनता को नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। कि अगर आप देखें कि ब्लैक मनी का कंट्रोल का बात वो है, तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ब्लैक मनी तो ज़रूर कंट्रोल हो गया, लेकिन आपका BJP का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर 2 साल के बाद तामीर हो गया, जो आज तक कभी भी उनके तामीर नहीं हो पाया था। और इतना बड़ा हेडक्वार्टर जो कि कांग्रेस अपने 70 साल में नहीं बना पाई, वो BJP ने वहाँ पर बना लिया। उसके अलावा वादा था इनका कि हम जो है नोटबंदी से
कैशलेस इकोनॉमी बना देंगे तो फिर उसमें भी जनता का क्या कितना फायदा हुआ, हमारी पूरी इकोनॉमी बैठ गई। जो आरबीआई की जो रिपोर्ट आई जिसमें वो कहते हैं कि 99.99% पैसा वापस आ गया, तो उस पर आपको क्या कहना? आरबीआई की रिपोर्ट पूरी तरीके से बताती है कि ये डिमोनिटाइजेशन फेल हो गया है और इसने अगर सिर्फ फायदा दिया है तो कॉर्पोरेट्स को दिया है, अदानी अंबानी को दिया है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो जो प्रोफेशनल्स हैं। मैं अपना एडवोकेट बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितना ज़्यादा आज भी उसकी वजह से परेशानियाँ हैं और यही समझ बाकी व्यापार करने वाले और बाकी प्रोफेशनल डिपार्टमेंट में भी इसी तरह की कंडीशन बनी हुई है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनकी प्लेसमेंट्स की जब जॉब ही जनरेट नहीं होगी, जो पहले वाले जॉब में हैं उन्हीं को ना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो फिर स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज से वो अपना फ्यूचर किस तरीके से देख पाएंगे। तो इसी तरफ से कंपनीज जो आनी है सारी इंस्टीट्यूट्स में, हमारे खुद के इंस्टीट्यूट्स में जिस तरीके से कंपनीज आती थी वो अब नहीं आ रही हैं, तो उससे भी असर पड़ा है। रुखसान के अलावा फायदा कहीं से कुछ नहीं है सिवाय रुखसान। हर आदमी बोलेगा लेकिन जो आरएसएस बीजेपी के जो भक्त है ना वो उनके अकल पे तो पर्दा पड़ा, वो तो बोलेंगे नहीं इस बात को, वो तो बोलेंगे फायदा है फायदा फायदा।